दोस्तों इस चैनल पे पेटीएम कैश का गिव वे चल रहा है। अगर आपको गिव वे का विनर बनना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना पेटीएम नंबर कर दीजिए ताकि मैं आपका नाम आपके पेटीएम में भेज सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिल से आपको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूट्यूब की ऐसी 5 मिस्टेक्स। तो भैया जैसे हम देख सकते हैं हमारे ऐसे बहुत से व्यूअर होंगे, हमारे भाई जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं या फिर आ चुके हैं, जो जिन्होंने सोच लिया कि भाई मेरा यूट्यूबर ही करियर है या फिर आने की सोच रहे हैं, कोई भी यूट्यूब से रिलेटेड हो। जो यूट्यूब नहीं भी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो एकदम परफेक्ट है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल ना करना ताकि आप मुझे गाली ना दो कि भैया वीडियो समझ नहीं आया वगैरह वगैरह। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने छोटे भाई के नाते से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि यूट्यूब की ऐसी 5 मिस्टेक्स, आपके समय को नहीं गवाते हुए ऐसी इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया अपने यूट्यूब करियर में जो सबसे पहली मिस्टेक है वो है कमेंट्स। भाई कमेंट्स में भी 3 पॉइंट बनते हैं कमेंट्स के। पॉइंट नंबर 1 है कमेंट करना। जी हाँ, आप ऐसे बहुत से यूट्यूबर होंगे जो छोटे खास करके कि बड़े बड़े यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स में अपनी चैनल की लिंक गेर देते हैं और बोल देते हैं भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा करने से आपके मोनेटाइजेशन पे खतरा आ सकता है और आपका चैनल डिसेबल भी किया जा सकता है। इससे क्या होता है, यूट्यूब पे यूट्यूब की बिल्कुल ही नज़र है, आप क्या कर रहे हो, कमेंट किसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसी से। तो यूट्यूब सोचेगा भाई ये तो अपनी मेहनत नहीं कर रहा, कमेंट से ही सब्सक्राइबर ले रहा है, तो आपका चैनल डिसेबल भी किया जा सकता है। जो कमेंट का दूसरा पॉइंट है वो है गालियाँ देना। जैसे आप भाई ऐसे बहुत से यूट्यूबर कर देते होंगे, मैं ये नहीं कर रहा आप करते हो, मुझे पता है आप मेरे बेस्ट भाई हो तो आप नहीं करते होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बहुत से ऐसे कर देते हैं कि यूट्यूब में जो कमेंट्स में गालियाँ लिख देते हैं। जी हाँ, आपके ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं भाई जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, अबे ये गाली वो वगैरह दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपका यूट्यूब चैनल को डिसेबल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट जो हमारा बनता है वो है कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देना। जैसे कि आपको कोई यूट्यूबर कमेंट्स करता है और आप उनका रिप्लाई नहीं देते हो तो आपको बुरा इफेक्ट पड़ता है अपने चैनल पर और वो अनसब्सक्राइब भी कर सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तीसरा पॉइंट बनता है हमारा, तीसरा मिस्टेक वो है अपनी वीडियो को खुद देखना। जी ऐसा आपसे बहुत सारे व्यूअर होंगे जो अपने चैनल को बार बार खोलते हैं, भाई अपने चैनल को ऐप में इंस्टॉल कर लेते हैं या लॉगिन कर लेते हैं यूट्यूब में और बार बार कहते हैं भाई मेरी वीडियो पे कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, हर घंटे में देखते हैं भाई वीडियो पे कमेंट्स बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, व्यू बढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यूट्यूब सोचेगा भाई ये बंदा तो अपनी वीडियो को खुद ही देख रहा है, बार बार ओपन कर रहा है, तो इससे आपके मोनेटाइजेशन पे खतरा आ सकता है और आप पे गाइडलाइन के स्ट्राइक्स भी आ सकती है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, हम उसके लिए आपको हल भी बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आपको क्या करना है, वाइट स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर पर फ्री अवेलेबल है, तो उससे आपको चैनल को लॉगिन करना है, उसमें आपको देखना है भाई व्यू वगैरह अगर आपको देखनी है। जो हमारी तीसरी गलती है वो है किसी के कमेंट को कंटेंट को कॉपी करना। जी हाँ, आप सोच रहे हो अगर आप कंटेंट को कॉपी नहीं करते हो तो आप पूछ लेते हो भाई कमेंट में मैं इस वीडियो को आपकी वीडियो को यूज़ कर सकता हूँ, वीडियो क्लिप को यूज़ कर सकता हूँ। अगर बाई चांस उस बंदे ने बोल दिया हाँ, तो आपको फिर भी इस कंटेंट को कॉपी नहीं करना है, ताकि आपको बाद में उसने हाँ बोल दिया तो उसने वीडियो क्लिप को आपने कॉपी करके अपना यूज़ कर लिया। जी ऐसा नहीं करना है, बाई चांस सोच के देखिए, अगर आपने उस वीडियो पर ज़्यादा व्यू कमा लिया, ज़्यादा सब्सक्राइब कमा लिए तो उसे जलन होगी और वो सोचेगा भाई मेरी वीडियो पे इतने वो नहीं आए व्यू तो इसके पे आ गए, तो वो जलस फील करेगा और आपके चैनल पे स्ट्राइक भी डाल सकता है। तो मैं आपसे एक वो एडवाइस देना चाहता हूँ छोटे भाई के नाते से कि भाई एकदम उससे करना चाहिए यूट्यूब, एकदम ईमानदारी से कीजिए तभी आपको अच्छा फल मिलेगा, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जो हमारी चौथी मिस्टेक बनती है वो है किसी का टैग यूज़ करना, किसी का नाम यूज़ करना। तो मैंने ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई को देखा है कि किसी के टैग को इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि आप टेक्नोलॉजी को ले लें, उस पर अच्छे व्यू आए पड़े हैं, तो आपने उसी टॉपिक पे वीडियो बनाई और टेक्नोलॉजी के टैग को चुराया, अपने वीडियो में डाल दिया या फिर अपने टैग्स में उनका नाम डाल दिया ताकि मेरी वीडियो सजेस्टेड में आ जाए। जी आपको ऐसा नहीं करना है, ताकि आपको यूट्यूब की तरफ से कोई गाइडलाइन की स्ट्राइक ना मिले, आपका मोनेटाइजेशन पर कोई खतरा ना बने, तो ये भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो प्लीज़ 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 आप ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने टैग अपने आप ही डालें और डिस्क्रिप्शन में अपना चैनल का नाम जरूर डाल सकते हो। तो मेरे बड़े भाइयों, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है अपने चैनल का नाम, ध्यान सुनिए, अपने चैनल का नाम अपने
टैग्स में डिस्क्रिप्शन में ना डालना, तो उससे क्या होगा आपकी वीडियो आपके सजेस्टेड में आएगी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी वीडियो आपके मेरी सजेस्टेड में आ रही होंगी। तो ऐसा क्या करना है आपको, अपनी डिस्क्रिप्शन में हैशटैग लगा के अपना चैनल का नाम बिना स्पेस दिए और एक बार स्पेस दे के लिख देना है, और एक बार इसी तरह टैग में भी लिख देना है। अगर आप चाहते हो अपने चैनल का नाम टाइटल में डालना तो आप टाइटल में डाल सकते हो, ये कोई कमजी गाइडलाइन के खिलाफ नहीं है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपकी, फिर से बता रहा हूँ मैं, सोगस्टेड में वीडियो आएंगी। तो मोस्टली नए यूट्यूबर्स ये गलती करते हैं कि भाई अपना चैनल का नाम नहीं गिरते, सोचते हैं भाई मेरे पास कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ जाएगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने चैनल का नाम कम टैग डिस्क्रिप्शन में डालना है, जरूरत पड़े तो टाइटल में भी डाल दीजिए ताकि अपनी आपकी वीडियो सजेस्टेड में आ जाए। क्या पता आपकी इस वीडियो को आपको अच्छा नहीं लग रहा किसी को, तो सिंपली से वो नीचे जाएगा और क्या पता उन वीडियोज में से आपकी वीडियो चूज हो जाए ताकि आपका वॉच टाइम भी बढ़े और क्या पता वो वीडियो अच्छी लगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यही थे कुछ 5 मिस्टेक्स और यही थे मैंने आपको बता दी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने यूट्यूबर भाइयों के साथ ताकि उनको भी ये नॉलेज हो जाए यही मिस्टेक्स के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना भाई, अपने छोटे भाई के लिए एक लाइक तो कर देना। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसी वीडियो रोज़ाना रोज़ हर वीडियो में